लॉकडाउन में बेजुबानों को भी जरूरत है रोटी की, आखिर जानवरों को भी भूख लगती है। एक तरफ जहां कोरोना वायरस लॉकडाउन के मद्देनज़र शासन से लेकर जिला प्रशासन और तमाम सामाजिक संस्थाएं गरीबों की मजबूरी को समझते हुए घर घर जाकर लोगों को राशन पानी मुहैया कराकर दो वक्त की रोटी का इंतजाम कर रहे हैं, वहीं हम इंसानों के बीच कुछ बेजुबान भी मौजूद हैं जो जंगलों में प्राकृतिक चीज़ें और आवासीय क्षेत्रों में उनके पेट भरने का साधन हम इंसान ही बनते हैं। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है इंसान की तो मदद कर पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बेजुबान आवारा जानवरों को भूल सा गया है। लेकिन हमारे ही बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इन बेजुबान जानवरों को भूख का ख्याल रखते हुए एक कदम आगे बढ़ाया और उनके भोजन की व्यवस्था घर में ही करना शुरू कर दिया और जानवरों को ढूंढ ढूंढ कर खाना खिलाना शुरू कर दिया। इनसे मिलिए, यह है कविता और अनुराग वार्षणेय का परिवार, जिनका कहना है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है गरीब लोगों की मदद के लिए सरकार बेहद अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन इस बीच सड़कों पर घूम रहे आवारा बेजुबान जानवर, गाय, कुत्ते व बंदर, इनके बारे में भी सोचा कि यह भी भूखे रहते हैं, इन्हें भी खाने की ज़रूरत है। तो लॉकडाउन के अगले ही दिन से हर रोज 4 से 5 किलो आटे की रोटियाँ सेंक कर आवारा पशुओं और जानवरों को खिलाने के लिए निकल जाते हैं, जिन्हें ढूंढ ढूंढ कर रोटियाँ और जो मिल जाए खिलाया जाता है। आगे बताया कि यह सब करके इतनी खुशी मिलती है कि परिवार के सभी सदस्य इस कार्य में मिलजुल कर जुट जाते हैं, जिससे उनकी मदद भी हो जाती है और घर में समय भी अच्छा बीतता है। वहीं लोगों से अपील भी किया कि वह भी इस तरह के कार्य रोज करते रहें। आटे को लेते हैं, उसमें रोटियां बनाते हैं, जितनी बन जाए 100 बन जाए, 60 बन जाए, 70 बन जाए, 80 बन जाए, उन रोटियों को हम डेली गाय को और कुत्तों को और बंदरों को बांटते हैं, क्योंकि इनकी से इनके लिए कोई इंतजाम नहीं है। सब लोग घरों में हैं, बाहर कोई भी दुकान नहीं खुल रही, जिसकी वजह से जो है कहीं भी इनको खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, भूखे हैं। तो इनकी हम रोज आटा की रोटियां बना के हम इनको खिलाते हैं, और जो भी हम लोगों के पास सामान बचता है चावल वगैरह वो भी सब हम इनको खिलाते हैं। गाय को प्रेरणा कहाँ से मिली है? प्रेरणा क्या, देखा हमने कि सब लोगों का इंतजाम सरकार और शासन कर रहे हैं, केवल इनका इंतजाम कोई नहीं कर रहा, तो हमने इनके इंतजाम की पहल करी है और इनको भूखा देखते हुए इनके लिए खाने का इंतजाम किया गया है। अन्य लोगों को जागरूक के लिए क्या कहेंगे? हम लोगों को कहेंगे कि सब अपने घर में कम से कम 5-5 रोटी डेली बनाएं, जिससे कि गाय का पेट भरे, क्योंकि गाय की खुराक इंसान से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और गाय का पेट भरा रहेगा तो भगवान, गाय को हम भगवान मानते हैं, तो भगवान के हिसाब से हमारा काम चलेगा बढ़िया। गाय, कुत्ता, बंदर, इन लोगों को हम खिलाते हैं। तरीके से सहयोग कर रही हैं, किस किस के लिए खाना बनाते हैं? देखिए, ऐसा है कि हम जैसे लोगों के लिए या हमसे और जो भी छोटे हैं उनके लिए सरकार अपनी तरीके से कर रही है, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे जो जानवर हैं, गाय हैं, कुत्ते हैं, बंदर हैं, वो आजकल बहुत ज़्यादा विचलित हो रहे हैं। तो मेरे पति ने और हमने ये सोचा कि हम कुछ आटा लाकर और हम अपने सहयोग से बच्चों के साथ मिलकर 5 किलो, जैसे भी हमारे 4 किलो 5 किलो आटे की हम 50, 40, 60 जितनी भी हमसे रोटियां बन पाती हैं वो हम बनाते हैं, और फिर ये मेरे हस्बैंड जाकर नीचे खिला कर आती हैं। जो गायें हैं, कुत्ते हैं, रात को बहुत परेशान होते हैं तो उनको खिला देते हैं हम। कब से ये काम हो रहा है? ये लॉकडाउन के हम नेक्स्ट डे से कर रहे हैं। आगे कब तक करने की? जब तक लॉकडाउन है तब तक तो हम करेंगे, ये एक सेवा ही है गाय माता की, जो हमारे धर्म में भी है और वैसे ही हम कर रहे हैं। रोजाना लगभग कितने आटे की रोटियां सेकते हैं? तकरीबन 5 किलो आटे की हम सेक लेते हैं मिलकर, मैं तरीके से बना लेते हैं, जैसे भी बच्चे भी इसी बहाने सीख भी रहे हैं करना, तुम्हें कि तुम स्टार्टिंग करो, कभी वो सेकती हैं, कभी वो आटा भी मलती हैं, कभी कुछ, मतलब हेल्प मिलती है हम चारों पांचों मेंबर, कभी इनके फ्रेंड आ जाते हैं वो भी करवा देते हैं। रिपोर्टर्स पेज के लिए अलीगढ़ से अर्जुन वार्षणेय की रिपोर्ट। मिलती है कि हमारी गाय माता और ये सब पेट भर लेते हैं, डॉग हैं।